हे गाइस, दिस इज अ ब्रांड न्यू स्मार्टफोन जियोनी मैक्स। और आज हम लोग करेंगे इस फोन की अनबॉक्सिंग और देखेंगे कि ये जो फोन है हम लोगों को किस तरीके से देखने के लिए मिलता है, और साथ में इसका जो बॉक्स कंटेंट है वो क्या क्या देखने को यहाँ पर मिल जाता है। तो सबसे पहले अगर मैं कहूँ इस जियोनी मैक्स के फीचर्स के बारे में, तो ये जो फ़ोन है वो आपको मिलता है 2 GB रैम और 32 GB स्टोरेज के साथ, और इसका जो प्राइस रखा गया है वो है 5,999 रुपये। तो ये एक जियोनी का एंट्री लेवल स्मार्टफोन है और इसका जो प्राइस है वो अभी के हिसाब से काफ़ी बढ़िया रखा गया है। तो चलिए मैं आप सभी का ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ और इंट्रोड्यूस कराता हूँ इस जियोनी मैक्स से। तो सबसे पहले कि ये जो फ़ोन है यहाँ पर ब्लैक कलर में देखने के लिए मिलेगा, तो चलिए मैं इसको यहाँ पर ओपन करता हूँ और मैं आप सभी को दिखाता हूँ इसका फर्स्ट लुक और फर्स्ट इम्प्रेशन कि ये जो फ़ोन है यहाँ पे हम लोगों को किस तरीके से देखने के लिए मिलता है। एंड अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक दें। तो चलिए सबसे पहले इसको बॉक्स पैकिंग को हम लोग यहाँ पर ओपन कर लेंगे। तो इसको अंदर में भी पैक करा गया है और यहाँ पे जियोनी का ब्रांडिंग करा गया है, और इसके बैक साइड में देखिए बॉक्स के, तो यहाँ पे हम लोगों को ये ब्लैक कलर में आता है और यहाँ पर दो सील करा गया है। तो चलिए इस सील को हम लोग यहाँ पर ब्रेक कर लें, और इसके बाद हम लोग देखेंगे इस जियोनी मैक्स का फर्स्ट इम्प्रेशन। तो फाइनली बॉक्स जो है यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक पाउच देखने के लिए मिलता है, सो ये यहाँ पर येलो कलर में आता है, और इन्होंने इसके अंदर जो है एक आपको देखने के लिए मिल जाता है ड्रिंक गार्ड और कुछ डॉक्यूमेंटेशन जैसे कि यहाँ पे वारंटी कार्ड और ये है मैनुअल बुक। तो चलिए इन सब चीज़ों को फिलहाल साइड करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा जियोनी मैक्स हम लोगों का मेन यूनिट, और करेंगे इस फ़ोन के अनबॉक्सिंग। फिलहाल इसे हम लोग साइड कर लें और आगे बढ़ें और देखें कि साथ में हम लोगों को क्या क्या बॉक्स कंटेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसको हम लोग बाहर निकाल लें, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर में हम लोगों को एक USB 2 माइक्रो USB डाटा केबल देखने को मिलता है, और यहीं पे हम लोगों को एक ट्रेवल एडाप्टर देखने को मिलता है, और ये आउटपुट प्रोवाइड करता है 5 वोल्ट 2 एम्पियर, मतलब कि ये 10 वॉट आउटपुट प्रोवाइड करता है। यहीं पे हम लोगों को आज के जेनरेशन में भी आपको रिमूवेबल बैटरी देखने के लिए मिलता है जियोनी की ओर से, और इसे मैं कहूँ तो ये आज के हिसाब से थोड़ा आउटडेटेड हो चुका है। खैर, इन सब चीज़ों को साइड करते हैं और अब हम लोग बात करते हैं इस जियोनी मैक्स के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इसको बाहर निकाल लें और देखें कि ये जो जियोनी मैक्स है यहाँ पे किस तरीके से देखने के लिए मिलता है। तो चलिए मैं सबसे पहले इसमें इसको इनबिल्ट करता हूँ, आई मीन बैटरी को लगाता हूँ और इस फ़ोन को फुल्ली सेटअप करता हूँ, और फिर बात करते हैं आगे। तो फ़ोन जो है फाइनली यहाँ पर सेटअप हो चुका है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग करते हैं इस जियोनी मैक्स की फिजिकल ओवरव्यू और जानते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले अगर आप देखते हैं इस फ़ोन के बैक पैनल पे, तो ये जो बैक पैनल है आपको फाइबर से बना मिलता है और ये रिमूवेबल बैक पैनल है। यहीं पे हम लोगों को ऊपर में डुअल कैमरा देखने के लिए मिलता है, सो मेन कैमरा है वो आपको यहाँ पे 13 MP का देखने को मिलता है, और दूसरा लेंस है जो आपको यहाँ पे बोके इफेक्ट दिया गया है। सो इन्होंने कहीं पर मैंसन नहीं करा है कि ये कितना MP का है। ठीक इसके नीचे में देखें तो यहाँ पे आउटपुट स्पीकर मेंशन करा गया है, और फोन के टॉप साइड पे आपको 3.5 mm हेडफोन जैक लगाने का ऑप्शन मिलता है। एंड फोन के बॉटम साइड पे देखें तो यहाँ पे इन्होंने चार्जिंग पिन का सपोर्ट दे रखा है। इस फोन के अंदर 5000 mAh का बैटरी मिलता है और ये रिवर्सिबल भी सपोर्ट यहाँ पे करता है। यहीं पे आपको नॉइस कैंसलेशन माइक का भी ऑप्शन मिलता है। एंड फोन के राइट हैंड साइड पे देखिए तो यहाँ पे आपको पावर की और वॉल्यूम की का भी ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, एंड फोन के लेफ्ट हैंड साइड में आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें इस फोन के डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पे आपको 6.1 इंच का HD+
ड्यू ड्रॉप डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, और इसका जो रेजोल्यूशन दिया गया है वो 720x1560 का मिलता है। तो एंट्री लेवल का स्मार्टफोन होने के हिसाब से देखा जाए तो डिस्प्ले रेजोल्यूशन काफ़ी यहाँ पे बढ़िया देखने के लिए मिल जाता है, और इस फ़ोन का जो प्राइस है वो भी यहाँ पे काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है, 5,999 रुपये। अगर बात करें हम लोग इस फ़ोन के हार्डवेयर के बारे में, तो इस फ़ोन के अंदर मिलता है आपको 1.6 GHz का क्वाड कोर प्रोसेसर, और इन्होंने कहीं भी ये मेंशन नहीं करा है कि इसमें कौन से कंपनी का प्रोसेसर मेंशन करा है, जैसे कि मीडियाटेक या फिर स्नैपड्रैगन या फिर और कोई अदर कंपनी। तो यहाँ भी इन्होंने कहीं पर भी मेंशन नहीं करा है प्रोसेसर के बारे में, तो ओनली फॉर ओनली इन्होंने क्लॉक स्पीड के बारे में बताया है। एंड एक बार हम लोग इस फ़ोन के सॉफ्टवेयर को चेक कर लें, तो यहाँ पे हम लोगों को एंड्रॉयड वर्जन 10 देखने के लिए मिल जाता है। तो सो यहाँ पे जियोनी ने काफ़ी बढ़िया करा है, और इस फ़ोन के अंदर हम लोगों को 2 GB का रैम एंड 32 GB का स्टोरेज देखने के लिए मिलता है। यहीं पे हम लोगों को फिंगरप्रिंट का कहीं भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, इसके जगह पे हम लोगों को फेस लॉक दिया गया है। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ इस जियोनी मैक्स के बारे में, तो प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। आप कंपेयर करें माइक्रो मैक्स, लावा, तो इन दोनों ब्रांड से आपको यहाँ पे काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस मिल जाएगा जियोनी मैक्स का। और देखा जाए तो 5,999 रुपये ये जो प्राइस है, ये भी यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया देखने के लिए मिल जाता है। तो आई थिंक कि आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक दीजिए, और आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, और अपने दोस्तों के साथ मेरे वीडियो को शेयर भी करें। तो आज के लिए इतना ही, मैं फिर मिलूंगा नए वीडियो में नए अनबॉक्सिंग गैजेट के साथ।